Hey, yo! Hey guys, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ एंड यू आर वॉचिंग गेमिंग जनरेशन। और एक बात बताइए, क्या आप लोगों को टैंक्स पसंद है? Well, मैंने आज तक अभी टैंक्स वाले गेम ज्यादा खेले नहीं है, बट आज मुझे मौका मिला है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ट्राई करने का। I mean, ये एक ऐसा फ्री गेम है जिसको आप लोग जाकर अभी खेल सकते हो अपने PC में। और क्या गाइस, ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी गेम के थ्योरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये गेम अपने हाइप पे स्टैंड करता है। I mean, इसके आजकल बहुत चर्चा हो रही थी, तो मैंने भी सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस गेम का लिंक है, जहाँ पर जाकर आपको नॉर्मली अपनी ID बनानी है, अपना यूजर नेम टाइप करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको टैंक मेनिया कोड का यूज करना है। ये सब करने के बाद हम अपने बैटल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैटल को स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह। और गाइज, ये हमारा पहला वर्ल्ड है, I mean, बूट कैंप। और गाइज, इसकी ग्राफिक्स, ओह माय गॉड, सीरियसली। ऑलराइट, तो वर्ल्ड में आते ही हमारे पास हमें मिली है एक टैंक। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गेम है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, तो आपको क्या मिलेगा, घोड़ा। तो सबसे पहला मिशन हमारा यही है कि इस पूरे विलेज को तबाह करना है। क्या बात है, एक सेकंड, ऐसे नहीं जाने दे सकते हम लोग। जो काम हमने स्टार्ट किया है उसे हमें खत्म करना ही पड़ेगा गाइस, यानी कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, हमने फाइनली सक्सेसफुली इस पूरे विलेज को तबाह कर दिया। सक्सेसफुली। मैं आपको मिलता हूँ इस ट्यूटोरियल के बाद, क्योंकि ट्यूटोरियल किसे ही पसंद है। हम आ चुके हैं अपने सबसे पहले वर्ल्ड में। ओ, ये भी बूट कैंप है, व्हाट द हेल। एनीवे, बूट कैंप हो या कोई भी, हमें तो अपनी टैंक सीरीज लगानी है गाइस। एक तो हमारा यहीं पे ठुक गया भाई, तो कहाँ जा रहा है भाई। अच्छा, इस गेम में अगर आपको हिट लगे तो आपकी मूवमेंट कम हो जाती है, यानी कि गाइस हमें हिट नहीं लेना, हमारा एक टैंक गया। अगर मैं फ्रेंडली फायर करूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। होगा। इस गेम ने मुझे एक वार्निंग दे दी है कि अगर मैं फ्रेंड को दोबारा हिट करूंगा तो मैं खत्म। ऑलराइट गाइस, हम स्नाइपर मोड में आ चुके हैं। ओ भाई, किसने मेरा टारगेट चुराया। ऑलराइट, वो तुम थे ना, तुम गए। तो यहाँ पे बेसिकली एक टैंक के ढेर सारे वीक स्पॉट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेड पे एम करूँ तो लो चांस है, और अगर मैं ग्रीन पे एम करूँ तो हाई चांस है। ये सही है, फाइनली हमने इसे मार दिया। क्या बात है भाई, इतना स्लो। तो बेसिकली गाइस, अभी हमारा स्कोर चल रहा है बॉट्स के साथ 7-2। क्या बात है। ओ, ये घर भी हमें तबाह करना होगा गाइस, थोड़ी ना घर टूट नहीं रहा। वहां पर हो। स्नाइपर मोड में गए और बूम। अरे वो कहाँ गया। अच्छा, इस सर्कल को नीचे आने देना होता है, ठीक है, नाइस। प्रेयर से तो कुछ हो नहीं रहा, हमें उस टैंक के पास जाना ही पड़ेगा। आओ तुम्हें इनसैनिटी का मतलब समझाएं। भाई मेरा निशाना कहाँ है। ओ, ये बेसिकली बाजूका नहीं, ये गन है गाइस। ये देखिए, यहाँ पे होल्स भी बन रहे हैं, नाइस। हेडशॉट। नहीं, हेड तो ये है, सॉरी। हम गाइस, बूट कैंप करने के बाद हम थोड़े रियल बैटल टाइप में आए थे, जहाँ पे हमें बेसिकली एनिमीज के एरिया कैप्चर करना था। इन सिंपल वर्ड, ये नॉर्मल TDM की तरह ही था, यानी कि एनिमी के टैंक्स को या तो फोड़ो या तो उनके एरिया को कैप्चर कर लो। और अगर आप उनके एरिया में हो और अगर आपको किसी ने भी एक भी बार हिट किया तो आपका पूरा का पूरा टाइमर रीसेट हो जाया करता था। तो ये थोड़ा सा हार्ड जरूर था, बट गाइस क्योंकि हमारे सामने ढेर सारे एनिमीज थे तो हम थोड़े दूर घूम के गए और डायरेक्ट उनके एरिया में घुस गए। और एरिया में घुसने के बाद हमने धीरे धीरे करके उस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। और या गाइज, मैं यहाँ पत्थर के पीछे ही छुपा हुआ हूँ। फाइनली गाइज, विक्ट्री। वैसे गाइज, ये सारी तो नॉर्मल चीजें थी, बट गाइज अब आया है इस गेम का मेन पार्ट, और वो है इस गेम का कस्टमाइजेशन। और गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टैंक है, बट हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं। बट गाइज, इस गेम में हम लोग ढेर सारे टैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये तो छोटा टैंक है, ये भी नॉर्मल सा है। बट गाइज, हमें जो सिलेक्ट करना है वो करना है इस गेम का सबसे बड़ा टैंक, जितना बड़ा उतना अच्छा है ना। हाँ, ये है ना काफी बड़ा टैंक, हम लोग इसको यूज करेंगे। इसको हम लोग फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें बेसिकली कलर्स लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये ग्रीन लगा दिया गाइस, हमने इसके टोपी को ग्रीन कर दिया। I mean, जहाँ पे हम बैठते हैं। ये ब्लू अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, एक काम करते हैं इसको पूरा का पूरा रेड कर देते हैं। I mean, ऐसा लगना चाहिए ना कि पूरा खून खून लगा हुआ है मेरे पूरे टैंक में। तो इसमें हम डिफरेंट कैमोफ्लैज भी ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सही लग रहा है मेरे को। हम बारी आई सिंबल्स लगाने की, तो ये फेनरियर, नाइस, फेनरियर लगाना चाहिए गाइस। पर पहले देख लेते हैं और क्या क्या है। ये टाइगर, ये वुल्फ, नोप, हम फेनरियर ही लगाएंगे, फेनरियर बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पूरा थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, समर, विंटर। ऑलराइट, विंटर वाला सबसे अच्छा। ऑलराइट, तो सबसे अच्छा तो मुझे विंटर वाला ही लग रहा है, तो मैं वही ले लेता हूँ। परचेज, हाँ जी, पैसा नहीं है मेरे पास,
ओके तो इसके लिए कुछ 700 चाहिए और मेरे पास, ओ मुझे 450 और गोल्ड चाहिए और इसके लिए मेरा पैसा नहीं है, तो यहाँ से कुछ हम आइटम हटा सकते हैं। हम गाइस जितने के औकात थे उसके हिसाब से हमने ये वाला टैंक बनाया है, बट गाइस हाँ हमने फेनरियर को आके जरूर रखा है, फेनरियर इज इम्पोर्टेंट ऑलराइट। तो यप हमने इसको रेड थीम दिया है एंड हाँ विंटर का लुक भी दिया है, तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग तो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ बैटल स्टार्ट होने वाला है इन 5, 4, 3, 2, 1 और लेट्स सी कि कौन जीतता है। नेवर माइंड। और गाइस इस गेम में मैंने एक और चीज नोटिस की, इस गेम का लेवलिंग अप सिस्टम, इस गेम में आप अपने टैंक को बेसिकली रिसर्च करके लेवल अप कर सकते हो, आर्मर्स एबिलिटी एक्सेट्रा। और गाइस टैंक तक तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, ये तो ऑलमोस्ट हर गेम में होता है, बट जो चीज़ इस गेम को मेरे हिसाब से थोड़ा और एडवांस बनाती है वो है क्रू ट्रेनिंग। आप इस गेम में अपने क्रूज को भी ट्रेन कर सकते हो, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो, सिक्स्थ सेंस बढ़ा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टैंक चूज कर लिया है और ये ज़्यादा बड़ा है पिछले वाले से, और यहाँ पे हमें एक क्रू को अपग्रेड करना है, तो यप इसकी मैंने सिक्स्थ सेंस बढ़ा दी, क्या बात है ये। अब गाइज हमारा स्किल्स एंड पर्क्स इंप्रूव हो चुका है हमारे क्रू का, और यप एंड या गाइज हम अब फिर से बैटल में जा सकते हैं और शायद इस बार पहले से भी अच्छे तरीके से। बट गाइज इससे पहले कि हम इस वीडियो के थोड़ा सा भी और अंदर जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस कोड का यूज़ करके ही इस गेम को डाउनलोड करें। ऑलराइट, वो न्यू मैप, गाइज इस गेम में काफ़ी सारे मैप्स भी हैं, इसका मतलब सिर्फ हमें ओपन एरिया में फाइट नहीं करना है, ये तो सिटी है बेसिकली। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली हमें तीन टैंक दिखाई दे रहे हैं, तीन। ओ, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, व्हाट द हेल, मुझे लगा इसको भी तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें इस राउंड में भी बेसिकली अपने एनिमीज के एरिया को कैप्चर करना है या फिर इन सारे टैंक्स को उड़ा देना है, तो हम इन सारे झंझटों में ना पड़ के डायरेक्ट उनके एरिया को कैप्चर करने चलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। अरे यार ये लोग मुझे मार देंगे। ओ मेरा टैंक डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, मैं इसको शायद वो कर सकता हूँ, हील कर सकता हूँ, और मैंने हील कर भी लिया। ऑलराइट, तो यहाँ से निकलो, सबसे पहले तो यहाँ से निकलो, हम ट्राई करेंगे कि गोल घूम के जाएं। ओ सामने भी एक टैंक है, क्या बात है। ऑलराइट, तो यहाँ से रास्ता है और मैप में मुझे सामने फ्लैग दिखाई दे रहा है जिसे हमें कैप्चर करना है, तो ओ सामने भी एक टैंक है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको उड़ा देते हैं पहले, नहीं तो क्या पता ये हमें उड़ा दे। ये रहा, ओ ये टैंक नहीं है बेसिकली ये, ओ मैन गाइस हमारा का पूरा टैंक उड़ गया एंड या हम हार गए या डिफीट। गाइस ये हमारे गेम की पहली डिफीट थी और गाइस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब गाइस इस गेम को 2-3 घंटा खेलने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इस गेम को मैं और भी खेलूंगा, क्योंकि इस गेम में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। वो कॉम्बैट सिस्टम एंड वो प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। इस गेम का पूरा वो बैटल फील्ड वाली वाइब, ये शायद वर्ल्ड वॉर के ही जमाने का है, राइट? लेकिन गाइस एक बात तो है कि इसमें हमें मज़ा काफ़ी आया। बट गाइस अभी के लिए तो इतना ही, मैं होप करता हूँ कि आप वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में जाके मज़े करोगे। और हाँ, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस कोड को डाल के उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शायद कल आएगी या फिर परसों, हाँ शायद परसों आ जाएगी। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।